हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड यू वाचिंग ऑब्वियसली संगीता मेहंदी आर्ट। और आज है डे 35। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या करेंगे, सीधी मेहंदी स्टार्ट नहीं करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आपने जो आप मेहंदी बना रहे हो, जिस पर आप मेहंदी बना रहे हो, वो क्या चीज़ है, कहाँ से लाए। नहीं भाई, हम कहीं से नहीं लाए। बार बोल चुकी हूँ लाइव में कि ये मेरी जो मिठाई की डिब्बी होती है उसका ही नीचे का कवर है। तो हमने कुछ उस कवर को अच्छे से डेकोरेट करके उसे शीट का शेप दे दिया। पहले सारे किनारे को काट कर और साइड साइड में इस प्रकार की टेप चिपका लेनी है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा और सुंदर दिखे। ये कुछ इस टाइप से सारे चारों तरफ इस तरह की टेप की चिपका लेनी है, अच्छे से टेप चिपकानी है, जिससे कि ये जो कवर होता है उसका हटे नहीं, बिखरे नहीं ये पूरी शीट। तो इस प्रकार से ये टेप चिपका लेनी है, जिससे कि ब्यूटीफुल भी दिखे और कुछ खराब भी ना हो। तो ये वाली ही हम घर पे बनाई हुई ये शीट है। तो अभी हम इसके ऊपर मेहंदी जो बनाएंगे वो बिल्कुल भी इरेज, मतलब इसको इरेज करेंगे तो फिर रंग नहीं आएगा इसके नीचे। तो इसलिए ये मिठाई की डिब्बी वाला काटा है, नहीं तो और भी बहुत होते हैं बट उस पे कलर आ जाते हैं और वो वाला डिज़ाइन हटता भी नहीं है। उस अगर उस पर हम बनाएंगे तो हटेगा नहीं, बट इस पर हट जाएगा, आसानी से निकल जाएगा डिज़ाइन। तो आज हम बना रहे हैं करवा चौथ स्पेशल मेहंदी डिज़ाइन। आई होप आपने शॉर्ट वीडियो तो देख ही लिया होगा, बट लॉन्ग वीडियो कुछ उससे हटकर है, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखें एंड लाइव को भी 7 से 8 बजे ज्वाइन कर लिया करो। 7 से 8 बजे डेली लाइव आते हैं, तो उस लाइव में भी ज्वाइन हुआ करें। एंड जो जो चैनल पढ़ रहे हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो अभी हमने छन्नी बना ली है, कलश बना लिया है और थाल। पहले छन्नी और कलश बना के उसके बाद हमें थाल बनाना है कुछ इस टाइप से। एंड उसके अंदर दिया वगैरह कुछ भी आपको अगर कुछ याद हो तो वो भी आप चीज़ ऐड कर सकते हो इसके अंदर। मैंने कुछ छन्नी, कलश और दीपक एंड कुछ फ्लावर्स इसके अंदर रख दिए हैं। ये मोली, मोली जो होती है उसका भी गेड़ा बनाकर कुछ इस टाइप का रख दिया है, गुड़ वगैरह प्रसादी। आई होप आपको ये वाला सामग्री पता चल जाएगा कि किस किस टाइप का डिज़ाइन बना रही हूँ, किस किस टाइप की थाल सजाया है। एंड थाल को डेकोरेट करने के लिए पहले एक मोटी लेयर्स का इस्तेमाल करें, फिर से एक पतली लेयर्स ऐड करें इसके अंदर और बाद में हम्प्स बनाएं, जिससे कि डिज़ाइन काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगी, थाली काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी और दिखेगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होगी ये किस प्रकार की थाल हमने सजाई है। बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश एंड यूनिक वाला दिखने वाला थाल, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो अभी हमें छोटे छोटे बिंदु दे देनी है, मतलब डॉट्स। ओके, तो इसमें छोटे छोटे से डॉट्स दिए एंड थोड़ी थोड़ी लेयर्स भी निकाल देनी है, जिससे कि ये सजी धजी दिखे। ओके, तो आप अच्छे से अपने हिसाब से भी कर सकते हो, छन्नी को भी अच्छी तरीके से डिज़ाइन कवर करके उसे भी सजा सकते हो। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको काफ़ी इजी एंड पसंदीदा लगा, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है तो मैंने ये वाली क्लास जरूरी लेनी समझी। तो आपको क्या करना है, इतना थाल बना के और बाद में लिख देना है करवा चौथ, और बाकी सब मैं नॉर्मल डिज़ाइन जैसी होती है वैसी बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड यूनिक लगेगी। एंड वहाँ पे अगर आप चांद वगैरह बनाना चाहो तो भी बना सकते हैं। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई भी डिज़ाइन कोई भी कुछ भी लगे तो आप मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे।